भारत जहां करोड़ों लोग रहते हैं, यहां ट्रैफिक जाम लगना आम बात है, क्योंकि भारत के 100 में से 80% ऐसे लोग हैं जो हर सुबह अपने काम के लिए बाहर जाते हैं। हम सभी जानते हैं, बिना ट्रैफिक पुलिस हमारा शहर एक दिन भी व्यवस्थित तरीके से नहीं चल सकते। पर क्या हम उन्हें उतना सम्मान और इज्जत देते हैं? वो दिन भर खड़ी धूप में बिना अपनी परवाह किए खड़े रहकर हमारी सुरक्षा और यातायात का ख्याल रखते हैं। मेरा ये ड्यूटी का समय है, इसमें ड्यूटी में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन टाइम जो है 8:30 से 9:30 बजे तक मेरी ड्यूटी है। इसी बीच में कोई वीआईपी मूवमेंट है तो ड्यूटी बढ़ भी जाती है, 12-13 घंटा भी हो जाती है। खैर कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने कड़ा से कड़ा धूप में हम लोग रहते हैं ड्यूटी में, और धूप के रहते हुए भी पब्लिक को भी समझाना पड़ता है, और बहुत तरह का ऐसा टेंशन आता है कि मैंने समझाने के बाद में ही पब्लिक उग्र हो जाता है कि ना हम ऐसी जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो उन पर हमको बाध्य होकर कार्रवाई करनी पड़ता है। तो ऐसा हम लोग बराबर उपदेश रहता है कि मैंने पब्लिक के सुरक्षित घर भेजें, सही रास्ता में चलें और आगे की ओर बढ़ें, और मैं भी आगे के साथ साथ बढ़ता रहूँगा। लाइटिंग है, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा से भी लोग उन लोग को समझाया जाता है कि कैमरा से देखिए सिंगल से आगे बढ़ेंगे या क्रॉसिंग से जेबरा क्रॉसिंग से आगे बढ़ जाएंगे तो आपको फाइन कट जाएगी, फाइन कटेगी तो आपको घर का बजट ख़राब हो जाएगा, तो घर में आपको टेंशन बढ़ेगी कि 5,000 कहाँ से आएगा। तो ये सब हम लोग समझाते हैं कि आप जेबरा क्रॉसिंग से पीछे रहें और सुरक्षित चलें रोड में, कि दूसरों को भी जगह देवें और अपने भी चलें, तो इसमें जान सुरक्षित रहती है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पुलिस को बहुत सराहनीय करते हैं और कुछ लोग मतलब कि पुलिस को बदनाम करते हैं, तो ये तो दुनिया की रीत है, अच्छा और बुरा कहना तो इन लोग का। अब जो आदमी गलत आके कहता है उसके साथ अगर पुलिस अच्छा व्यवहार कर देती है तो शर्म से सर झुका देता है कि हमने इनको गलत कहा था, लेकिन ये पुलिस अच्छा काम करती है। कभी कभी किसी का बैग छूट जाता है, कोई आ गया ट्रैफिक पोस्ट पर कि हमारा बैग छूट गया, उसमें हमारा ये सामान है, हमारा पैसा है, हमारा जेवर है, हमारा डॉक्यूमेंट्स है, तो अगर हम लोग के पास में मिल जाता है तो खोज कर करके उनके फ़ोन के जरिए उनको कर करके बुला कर करके देते हैं, तब उन लोग का एहसास होता है कि पुलिस मतलब कि वाकई में जनता के लिए है, जनता के लिए काम करती है। अभी कुछ दिन पहले करमटोली चौक पर एक औरत और एक मर्द दोनों गिरिडीह से आ रहे थे, तो उनका एक टेम्पू में बैग छूट गया, और बैग छूटने के बाद में टेम्पू वाला वो डर से वो बैग को, पुराना टाइप के बैग था,
और वो बैग उतार के करमटोली एक दुकान पर दुकान के चौतारे पर रख दिया। हम लोग देखा उसको उठा करके लाया, देख उसको उठा के खोल करके देखा तो उसमें 50,000 रुपया था और कुछ डॉक्यूमेंट था, कुछ और खाने पीने के सामान था। इसी तरह से हम लोग मतलब कि टेटरा को खबर किया, टेबर कवर कर दिया। इस बीच में मतलब कि वो लोग रोते होते दोनों मियाँ बीवी आए और बताएं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया। हम लोग बताया कि हम लोग के पास में बैग है और ये बैग खोल के देख लीजिए, आपका ये सामान है और ये सामान आपका मौजूद है। वो लोग देख कर करके बहुत खुश हुई और हम लोग को दिल से दुआ दी कि अगर आप लोग ना रहते तो ये हमारा 50,000 रुपया, हमने कितने दिनों से मेहनत मजदूरी कर करके इस पैसा को इकट्ठा किया है, ये पैसा मेरा चला जाता। लेकिन बहुत दुआ दिया, मतलब ये किया और पुलिस को सराहनीय कर कर करके। और क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन को बराबर सही तरीके से फॉलो करें, ताकि हम अपने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अपने शहर और देश के ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बना सकें।